बच्चे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप, संदेश देंगे? श्री श्री सरस्वती पूजा जो है पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और यहाँ एक रीति और रिवाज ही समझिए कि स्कूल में भी सरस्वती पूजा जो है बच्चों को लेकर ये पूजा भी होती है। पाड़ा में तो है ही पूजा, तो हम लोग सरस्वती माँ सरस्वती को पढ़ाई लिखाई के संग किताबों के संग हम लोग माँ को वहाँ देखते हैं, उस जगह में शिक्षा की जगह में देखते हैं। माँ सभी को, इन बच्चों को शिक्षित करे और एक अच्छा इंसान बने, इस तरीके की शिक्षा की दिशा माँ दिखाएंगे। कल सरस्वती पूजा है, एक अलग ही खुशी का माहौल है, और ख़ासतौर से मेरे इलाके में शामलू को विधानसभा केंद्र के इलाके में, इस इलाके में इतने ढेर सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज भी है, सब जगह नियम से मान के सरस्वती पूजा करते हैं। सामाजिक कुछ नियम भी है, वो भी पालन करते, धार्मिक तो है ही, एक अच्छा वातावरण है। और आजकल के जो बच्चे दिन रात अपना समय इंटरनेट पे जो व्यतीत कर रहे हैं स्मार्टफोन पे, और खेल के मैदान में नहीं उतर रहे, ना बैडमिंटन खेले, स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी से समाज में भी परिवर्तन आता है, और टेक्नोलॉजी को अपनाना भी पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ इस देश में योग बैम जो कहते हैं, योगा या फिजिकल एक्सरसाइज वाली जो बात है, ये अपने तरीके से इसकी इतिहास बहुत पुरानी है। तो अब भी क्या वो पुराना हुआ है? हम लोग देखते हैं, जितना भी आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो ना हो, फिर भी अभी भी योगा करना या एक्सरसाइज करना या मॉर्निंग वॉक करना, ये सब तो किसी ने बंद नहीं किया। उसी तरह से खेलकूद तो बंद नहीं होता। अब ये है कि खेलकूद से शारीरिक स्वस्थता के लिए अपने को भी मोटिवेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब होते तो उनके मम्मी पापा मोटिवेट करें, एक गाइडेंस दें, और जब वो बड़े होते अपना निर्णय खुद लेंगे। तो एक तो दिखता है कि हाँ, इतनी व्यस्तता हो जाती है कि वो ठीक तरीके से खेलना कूदना वगैरह सब बहुत ही कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही टाइम पे खेलना, सही टाइम में खाना, सही समय में पढ़ना, ये इसको बैलेंस करना, इसके लिए हम लोग को ही गाइड करना पड़ेगा। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती की वंदना हो, आराधना हो, प्रार्थना हो, पूजा हो, और इसके द्वारा माँ सरस्वती की आशीष सब पे बने रहे, और जो शिक्षा के बाहर भी है उनको भी शिक्षा के जो एक उनको भी मौका उन तक पहुँचे, जिससे कि सभी शिक्षित हो और जैसे हमने कहा अच्छे इंसान बने।